आईसीसी ने बाबर आजम को सल फील्ड सोबर का जो अवार्ड दिया है, और आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर और फिर ओडीआई का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नाम उसको अवार्ड दिया है। तो भाई ये जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये सब हेटरों के मुंह पे तमाचा है, खासकर कराची किंग वालों के मुंह पे, खासकर शुएब जट के मुंह पे और मोहम्मद आमर के मुंह पे। भाई ये इसकी परफॉर्मेंस तुम लोगों के मुंह पे चाटा है, तुम लोग अभी भी खुश नहीं होगे इसकी परफॉर्मेंस से। ये शुएब जट तो अभी भी उसमें से नुक्स निकाल रहा है, पूरी दुनिया बाबर की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया उसकी बैटिंग की तारीफ हो रही है, इंडियन मीडिया उसकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं, मगर नहीं, हमारे वाले जो पाकिस्तानी ये तो हैं, जैसे बोलो ना इनको एक मनो सलवा उतरे, ये उसकी भी कदर नहीं करेंगे मनो सलवा की। पाकिस्तानी है ये भाई, नेमत का किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं करेंगे यार, इतनी बड़ी एक नेमत ही होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि एक इतना इतना जबरदस्त प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद है, फिर भी उसमें से नुकस निकालने, भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम लोग उसको बताते खुद, मैं उसकी कप्तानी के खिलाफ हूँ, मैं बताते खुद प्लेयर अच्छा है, मगर आईसीसी ने उसको ओडीआई का कैप्टन बना दिया और दूसरी दफा बनाया। 2021 में भी उसने ये अवार्ड जीता, 2022 में भी, कि जो आईसीसी टीम जो अनाउंस हुई थी उसका कैप्टन था, इस दफा भी आईसीसी का कैप्टन है, ओडीआई का क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, इस दफा भी ओडीआई का क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, और मजे की बात है ये दूसरी दफा हुआ है। दुनिया में चार ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने लगातार ओडीआई ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड जीता है, चार प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीता है, जिनमें से ए बी डिविलियर, MS धोनी, विराट कोहली और बाबर आजम। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, खासकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खासकर।